आपको कब पीना है? रात को तो पीना ही है, लेकिन पूरे वर्ष भर नहीं पीना है। एक बहुत बड़ी सावधानी आपको जो रखनी है, गोपाल जी अभी जाना नहीं है, अभी कुछ काम है आपसे भी। प्रसंग के अनुसार परिचय होगा सबका। बहुत आज अद्भुत अद्भुत गोभक्त आए हुए हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि प्रसंगानुकूल सबका परिचय हो। सज्जनों, भाइयों और विद्यार्थियों, माताओं, कई माता पिता एक बात कहते हैं कि हमारे घर में वर्षों से देसी गाय और हमारे बच्चे देसी गाय माता का ही दूध पीते हैं, दूसरा नहीं पीते, फिर भी उनकी बुद्धि तेज नहीं है। तो आप शायद एक गलती कर जाते होंगे, सावन में भी अपने बच्चों को दूध पिलाते होंगे। पिलाते हैं सावन में, बच्चा हो या बड़ा हो दूध नहीं पीना चाहिए। 11 महीने ही दूध पीना चाहिए, सावन में दूध भूल करके भी नहीं पीना चाहिए। सावन का दूध नुकसानदायक है बच्चों की पढ़ाई में और बड़ों के घुटने में। सावन का दूध पीने से घुटने खराब होते हैं और सावन का दूध पीने से बुद्धि भी कमजोर होती है। सावन महीना छोड़ के आपको 11 महीना ही देसी गाय माता का दूध पीना है। आप कहोगे ऐसा क्यों, तो कारण सुनिए। चलिए मैं बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कारण बताता हूं आपको। सावन महीने में दूध कौन से भगवान को चढ़ाते हो आप? शिव भोले बाबा को। दूसरे देवताओं को क्यों नहीं चढ़ाते? उन्होंने आपका क्या नुकसान कर रखा है? शिव जी को ही क्यों? इसका वैज्ञानिक कारण भी है और आध्यात्मिक कारण भी है। सावन महीने में घास जो होती है, उस हरी घास के अंदर एक ऐसा तत्व पैदा होता है जो विष का काम करता है। उस घास को जब गाय माता खाती है तो वो विष गाय माता के दूध में पहुंचता है और दूध में जहर होता है, एक स्लो पॉइजन सावन के दूध में। शिवजी भोले बाबा ही ऐसे देवता है जो जहर पचाने की ताकत रखते हैं, दूसरे देवता नहीं रखते। इसलिए सावन का दूध शिवजी को चढ़ाया जाता है। अपने भारतवर्ष में जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग, उन ज्योतिर्लिंगों पर जब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के लोगों ने सर्वे किया, देश के परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ कहाँ है, तो सर्वाधिक परमाणु विकिरणों का प्रभाव उन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में मिला। शिवलिंग में से विशेष परमाणु निकलते हैं और सावन महीने में उसका प्रभाव अधिक आता है। जब गोमाता का दूध उस पर चढ़ाया जाता है तो उन परमाणुओं का नकारात्मक प्रभाव खत्म होकर के सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए शिवजी पर दूध चढ़ाया जाता है। सावन के दूध पर हमारा अधिकार नहीं, किसका अधिकार है? आजकल तथाकथित अधिक पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, वो हर साल एक यूनियन बनाते हैं कि सावन में दूध लोग चढ़ाते हैं, वो पागल है, व्यस्त कर रहे हैं। देश में भूखमरी बढ़ रही है, लोगों को खाने पीने को दूध खाना नहीं मिलता और लोग पत्थरों पर दूध चढ़ा रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। कुछ ज्यादा होशियार लोग तो टीम बना करके सोमवार को पहुंच भी जाते हैं और जो भी दूध लेके आते हैं उनको कहते हैं एक बूंद चढ़ा दो, बाकी इधर डाल दो, हम गरीबों को पिलाएंगे। मतलब गरीबों को जल्दी मारने का प्रोग्राम है तुम्हारा। अरे जानते तो हो नहीं, अध कचरा ज्ञान तुम्हारे पास है और अपने आप को होशियार बना करके परंपराओं का खंडन कर रहे हो। और अगर आपको वाकई गरीबों से इतना प्रेम है तो फिर सावन का ही क्यों? रोज 2 लीटर दूध घर में आता है, उसमें से आधा लीटर पिला दिया करो ना, कौन मना कर रहा है आपको? भगवान के हिस्से का ही गरीबों को पिलाना जरूरी है क्या? और गरीबों को तो 12 महीना चाहिए, केवल सावन का दूध पिलाने से काम चल जाएगा क्या? हमारी आस्थाओं